गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको सबसे पहले जो प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर है, जो आपके एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम में 401 सब्जेक्ट कोड है, क्योंकि आपको पता है कि इसका टेस्ट होने वाला है जो सीजनल है, आपके सीसी है उसमें आपके टेस्ट में इसको आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो तीन सब्जेक्ट कोड है उनका अलग से ही सेपरेटली बनाना है। एक हर्बेरियम बनाना है, दूसरी जो वर्कशॉप की इंस्ट्रूमेंट फाइल है वो आपने सबमिट कर दी ऑलरेडी। अब आपको 401 जो प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर है, आज मैं इसका सिलेबस डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आप सिलेबस देखते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो तीन लेक्चर्स बना दिए हैं सब्जेक्ट कोड के हिसाब से। सो आपको कोई नीड होता है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आप डेफिनेटली फाइंड कर लेंगे, वो भी बहुत ईजिली। चलिए बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। आज तो इस वीडियो में स्पेशली आपका सिलेबस ही डिस्क्राइब होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और आपका सीसी भी हो रहा है। तो आपको प्लांट सेल 20 से आपका सीसी स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद आपका कंटिन्यूसली 4 डेज सीसी चलेगा, जिसमें आपने एक दो सीसी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। वर्कशॉप की फाइल जो इंस्ट्रूमेंट वाली है वो आपने प्रिपेयर कर ली है। हर्बेरियम जो प्लांट का बनाना है, मैम ने दिया, उसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद प्लांट सेल एंड टिश्यू ऑर्गन कल्चर का टेस्ट देना है। इसमें सबसे पहले क्या जनरल इंट्रोडक्शन देना है, इसकी हिस्ट्री, इसको और इसका क्या बताना है, कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर डिफरेंशिएशन एंड टोटिपोटेंसी, जो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में प्रोवाइड करवा दिया, आप वहां जाके देख सकते हैं। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है टेक्निक ऑफ टिश्यू ऑर्गन कल्चर। आपको पता है कि जो लेबोरेटरी के अंदर प्लांट को प्रोडक्ट किया जाता है, प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है एक आर्टिफिशियल माध्यम से, तो उसको आपको यहाँ पे बताना है, ऑर्गन कल्चर बताना है। मेरिस्टेम, एंथर एंड एम्ब्रियो एंड विटो फर्टिलाइजेशन, ये भी बताना है कि एंथर, एम्ब्रियो एंड विटो फर्टिलाइजेशन के थ्रू कैसे प्लांट्स को, नए प्लांट्स की वैराइटीज़ को, नए प्लांट प्रोडक्ट्स किए जा सकते हैं, नए प्लांट का ग्रो करवाया जा सकता है। यूनिट थर्ड पे आपको ऑर्गेनोजेनेसिस एंड एडवेंटियोम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ना है, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉर्फोजेनेसिस पढ़ना है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एंड्रोजेनेसिस पढ़ना है, मैकेनिज्म, टेक्निक एंड यूटिलिटी पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट थर्ड तक तो आपने देखा यूनिट फोर में, क्योंकि यूनिट थर्ड तक आपको अभी सीसी में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट फोर एंड फाइव आपको एग्ज़ाम के बेस पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन है, फ्यूज़न एंड कल्चर है, हाइब्रिड सिलेक्शन एंड द रजिस्ट्रेशन है, पॉसिबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स हैं, एंड लिमिटेशन आप प्रोटोप्लास्ट रिसर्च है, जो प्रोटोप्लास्ट है उसके बारे में ही स्पेशली बताना है, उसकी अचीवमेंट्स क्या, उसके लिमिटेशन क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, यही सारी चीज़ें। ओके, बात करते हैं यूनिट फाइव पे आते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। यूनिट फाइव में अप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर, इसका अनुप्रयोग बताना है, क्लोनल प्रोपोगेशन बताना, आर्टिफिशियल सीड्स कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सोमाक्लोन्स एंड द सोमा क्लोनन वेरिएशन बताना है, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज बताना है, नेचुरल प्रोडक्ट्स बताना है, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन एंड द जर्म प्लास स्टोरीज बताना है। ये आपका यूनिट फाइव तक मैंने सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया है और प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर के बहुत सारे लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपको दूसरे लेक्चर्स की नीड होती है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में, जो भी गर्ल्स हैं जिनको भी नीड है एमएससी बॉटनी फूड सेम, वो मुझे बोल सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, ताकि आपका जो फर्स्ट है प्लांट टिश्यू ऑर्गन कल्चर, जो आपका 401 सब्जेक्ट कोड है, क्योंकि इसका टेस्ट होने वाला है, इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करनी होगी। सो आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।